हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। आज हम अपना मैथ्स में चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग शेप्स। तो अंडरस्टैंडिंग शेप्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। उसके बाद हम पढ़ेंगे उनके दो टाइप्स हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर एंड कनकेव क्वाड्रिलेटर, उनकी प्रॉपर्टीज़। आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट प्रॉपर्टीज़ फॉर रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड पैरेललोग्राम। क्लियर? तो आइए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटर से। क्वाड्रिलेटरल, यस, क्वाड्रिलेटर। व्हाट इज क्वाड्रिलेटर? क्वाड्रिलेटर इज अ प्लेन फिगर bounded by a plane figure bounded by four line segment. Let us consider four points A, B, C and D. These are four points which in which threes are non-collinear. मतलब तीन ऐसे हैं जो एक लाइन में नहीं रहते। दो तो होंगे बट तीन नहीं और हो सकते। तो फिगर हम बना रहे हैं, कैसे भी बना सकते हैं, ये लो A, B, C and D। ये फोर पॉइंट से क्लोज्ड हो गई, बाउंडेड हो गई फोर पॉइंट से, ठीक है। और ये तीन जो तीन हैं, कोई भी दो तो हैं आपके पास कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में है, बट तीन तो नहीं है ना। नो थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड फोर लाइन सेगमेंट्स बाउंडेड बाय कर्व इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर। दिस इज अ क्वाड्रिलेटर। क्या है ये? क्वाड्रिलेटर। अब इसमें देखिए क्या है, ये ए बी, बी ये ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ये चारों क्या हैं इसकी साइड्स, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये दीज आर फोर साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर। क्लियर? अभी एंगल्स की बात करें तो इरेज कर लेते हैं इसे, अब साथ साथ नोट करते चलिए। मैंने आपको चार साइड्स बता दी, दोबारा लिख देती हूँ, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। ऐसे ही फोर एंगल्स, एंगल्स कौन कौन से हैं? डी ए बी, ये वाला एंगल डी ए बी, डी ए बी और ए बी सी, दिस वन एंगल ए बी सी, आफ्टर दैट एंगल बी सी डी, दिस वन बी सी डी और लास्ट वन सी डी ए, सी डी ए, या फिर हम इसको एंगल ए बी, एंगल सी और एंगल डी भी दे सकते हैं, ठीक है। ये चार एंगल हैं इसके, चार ही साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटर में और फोर ही एंगल, फोर ही साइड्स हैं, फोर ही एंगल्स। उसके बाद हम बात करते हैं ऑपोजिट साइड्स की। ऑपोजिट साइड्स कौन सी होती हैं? ए बी है, ए बी के ऑपोजिट कौन सी दिख रही है आपको? सी डी, ठीक है। ए बी के ऑपोजिट सी डी, ए बी के ऑपोजिट कौन सी होएंगी? सी डी। और बी सी के ऑपोजिट कौन सी है? ए डी। बी सी के ऑपोजिट ए डी, ये दीज आर ऑपोजिट साइड्स। ये कौन सी हैं? ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। और अगर ऑपोजिट के एंगल्स की बात करें तो वो कौन से होंगे? ऑपोजिट एंगल कौन से होंगे? एंगल ए है, ये रहा एंगल ए, एंगल ए के ऑपोजिट कौन सा है? एंगल सी, ये वाली। एंगल ए के ऑपोजिट कौन सा होगा? एंगल सी। और एंगल बी का ऑपोजिट क्या है? एंगल डी। ये क्या हो गया आपके पास? ऑपोजिट एंगल। दीज आर ऑपोजिट साइड्स, दीज आर ऑपोजिट एंगल। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट साइड एंड एडजेसेंट एंगल की। देखिए एडजेसेंट साइड्स कौन सी होगी? ए बी है। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ लगने वाली, ये इसके साथ लगने वाली कौन सी साइड है? ये वाली, यहाँ जहाँ पे दो दो लाइनें एक एक पॉइंट पे मीट करें, कोई एंगल बना दे, वो होती है एडजेसेंट पॉइंट,
ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट साइड, क्योंकि ये डी और बी के बीच में कॉमन पॉइंट क्या आ गया, ए, ए के ऊपर मीट कर रही है ना दोनों लाइनें, तो डी ए एंड ए बी दीज आर एडजेसेंट साइड। ए बी की एडजेसेंट साइड क्या आ जाएगी, डी ए, या फिर ए बी की और कौन सी एडजेसेंट साइड हो सकती है, ए बी के साथ ये वाली भी तो लग रही है ना, ए बी के साथ बी सी भी लगती है, ठीक है। ऐसे ही ए डी के साथ कौन कौन सी लग जाएंगी, ए डी के साथ ए बी और सी डी भी, ए डी के साथ कौन सी लगेंगी, ए डी के साथ ए बी और सी डी, दीज आर एडजेसेंट, जहाँ पे भी कोई कॉमन पॉइंट आ जाता है। ऐसे ही अगर बी सी की बात करें, बी सी और बी सी की एडजेसेंट साइड कौन सी है, सी डी एंड ये वाली बी सी, बी सी के एडजेसेंट, बी सी के एडजेसेंट सी डी, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, ऐसे साथ लगने वाली कौन सी होती हैं, एडजेसेंट साइड। ऐसे ही एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट एंगल भी साथ लगने वाले होते हैं, इसका एडजेसेंट कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है, और इसका साथ वाला ये वाला, एंगल बी और सी एडजेसेंट एंगल है, एंगल सी और डी एडजेसेंट एंगल है, डी और ए एडजेसेंट एंगल है, क्लियर। तो अभी आपके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपने देख, क्या क्या पढ़ लिया, आपने कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन पढ़ ली, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, ये आपके पास ए बी सी डी, ये इसके वर्टिसेस हैं, ये चार इसके वर्टिसेस हैं, चार ही इसकी साइड्स हैं, और डायगोनल कितने होते हैं, इसमें दो डायगोनल होते हैं, ये देखिए, ए को ऑपोजिट वर्टिसेस को जब हम मिला देते हैं तो क्या बनते हैं, डायगोनल, तो ये इसके दो डायगोनल होते हैं, ठीक है। आपके पास फोर वर्टिसेस, फोर साइड्स, टू डायगोनल्स, फोर एंगल्स, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल, तो ये आठ चीज़ें आपने पढ़ ली हैं कोऑर्डिनेटर के बारे में। अब हम चलते हैं कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर की तरफ। कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, व्हाट इज कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर, अ कोऑर्डिनेटर इन विच ऑल द एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, क्या होता है, ऑल द एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। कोऑर्डिनेटर आपके पास फोर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, जिनमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये चारों के चारों ही क्या हों, 180 से लेस हों। अगर ये चारों एंगल, कोई भी एक एंगल बड़ा नहीं चाहिए, चारों के चारों एंगल 180 से छोटे होने चाहिए, दैट कोऑर्डिनेटर इज कॉल्ड कन्वेक्स कोऑर्डिनेटर। और कनकेव कोऑर्डिनेटर कौन सा होता है, जिनमें क्या हो, आपके पास एक एंगल 180 से बड़ा हो, कैसा हो सकता है वो देखिए। अब देखिए ये भी एक कोऑर्डिनेटर है आपके पास, ये भी एक क्या है, कोऑर्डिनेटर, क्योंकि देखो फोर साइड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चार साइड हैं, क्लोज्ड है, प्लेन फोर साइड्स, जॉइंट है, बाउंडेड है, तो ये भी एक कोऑर्डिनेटर है आपके पास, बट ये वाला एंगल जो है इसका क्या है, 180 से बड़ा है, ये वाला एंगल, नेम दे देती हूँ मैं ए बी सी एंड डी, जो एंगल ये वाला है, अंदर वाला है ये आपके पास ये एंगल, तो ये एंगल क्या है आपके पास, 180 डिग्री से बड़ा, तो ये वाला कोऑर्डिनेटर कौन सा हो गया, कनकेव कोऑर्डिनेटर, क्लियर। तो आपने ये प्रॉपर्टी सारी रीड कर लेनी है और अपनी नोटबुक पर राइट कर लेनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।